नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी फॉर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग को ए टू जेड के कोडिंग के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हमारे चैनल पे रोज़ वीडियो अपलोड होते रहेगा। ए टू जेड कोडिंग किस कोड पे क्या आएगा, पहले सबसे पहले आप लोग को बताने जा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ किस नंबर पे ये आएंगे। जैसे ए 1 पे आते हैं, बी 2 पे आते हैं, सी 3 पे आते हैं, डी 4 पे आते हैं, ई 5 पे आते हैं, एफ 6 पे आते हैं। तो आप लोग को यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह याद रखें ए टू जेड तक का, जो आप लोग को याद रहे। ए, तो चलिए शुरू करते हैं। ए 1 पे आते हैं, बी 2 पे आते हैं, सी 3 पे आते हैं, डी 4 पे आते हैं, ई 5 पे आते हैं, एफ 6 पे आते हैं। इतना आप लोग को जो है ना याद करना होगा। या याद क्या, आप लोग को तो यहाँ 5 अक्षर 6 अक्षर तो याद ही होगा। ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 तक तो याद ही रहेगा। एफ के बाद जो आते हैं जी, जी से आप लोग को ट्रिक बताएंगे किस तरह याद किया जा सकता है कोडिंग। एफ के बाद जी, जी का होता मान क्या, 7। जी 7 कैसे आया, ठीक है। जी सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी का नाम सुने हैं, सैमसंग गैलेक्सी, गैलेक्सी 7, इसी तरह आपको याद करना होगा, सैमसंग गैलेक्सी 7, जी का 7। एच, एच का होता 8। एच और 8 में हल्का सा फर्क होता है, एच या बोलिए या 8, एच 8, एच एच 8 8 हो जाएगा। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से, एच 8 हो जाएगा। उसके बाद आई, आई का होता है 9। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर जानते हैं तो बोलते हैं आई ना, आई नो, आई नो, इसी तरह आई 9, आई नो। ये भी उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा यहाँ तक। जे, जे का होता है 10। देखिए आप लोग को कुछ लग रहा है, जे 10 मतलब जियो, एक तरफ से ये आ रहा है जी ओ, जे आई ओ, जी ओ, इसी तरह याद रखना है जे का 10। उसके बाद के का होता है 11। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल, आईपीएल की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब की, उसी तरह याद करना है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, के का 11। उसके बाद एल, एल का होता है 12। इसको थोड़ा सा याद करना होगा आप लोग को, एक दो बार दोहराना होगा, एल 12, एल 12, एल 12, इस तरह याद हो जाएगा, एल 12, ठीक। उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद एम, एम का होता है 13। इसको याद कैसे करना है, एम 13, एम 13 को याद करना है। एम में देखिए 1 लाइन यहाँ है, 1 2 3, 3 लाइन इधर हो गया, तो 13 कर दीजिए, ठीक। आप लोग को ब्रैकेट में हम बताते हैं, ब्रैकेट में बता रहे हैं, एम, एम को इस तरह लिखा गया है, इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4, पहले 1 लाइन ले लिए, फिर यहाँ 3 लाइन है, 1 2 3, ठीक। तो इसी तरह यहाँ 3 दे दीजिए, एम 13, इसको याद करने की ट्रिक हो, एम 13। आप लोग देखिए सरकारी एग्जाम की तैयारी जो करते होंगे, वो रीजनिंग आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, जो हम लोग आप लोग को रीजनिंग मैथ ये ज़्यादा बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, या कर लिए होंगे कितने भी लोग, क्योंकि हम न्यू क्रिएटर हैं, लेकिन जो भी बताएंगे आप लोग को दिल से बताएंगे। एन, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एन, एन का हो गया 14, एन का हो गया 14। अब इसको किस तरह से लिया गया, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, एन 14, एन 14, इसको आप लोग को याद करना होगा। एक दो ऐसा है कि जो आपको याद करना ही होगा, ट्रिक तो बहुत सारा है, अपने मन से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना याद करना होगा, ठीक। एंड की बात है ओ, ओ का 15 हो जाता है। सॉरी फ्रेंड, आप लोग को कुछ काम ट्रिक नहीं बता पा सकते हैं, क्योंकि कुछ का ट्रिक याद करना होगा हमको जो है ना, ये सब पूरा याद हो गया। एक दो बार आप लोग को कीजिएगा प्रैक्टिस तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। उसके बाद पी, पी का हो जाता है 16। इसको कैसे याद करना है, पी, पी का 16, पी देखिए पी को एक तरह इसे लिखना है, और 16 को, अब पी को उल्टा दीजिएगा ना, देखिए ब्रैकेट में समझाते हैं, पी 1 ऐसे लिखिए, अब पी जो है ना पी को उल्टा दीजिए, यहाँ हो गया 16, पी का हो गया 16।
क्यू क्यू कहा था 17, ये आप लोग को याद करना होगा, क्यू 17। आर आर क्या हो गया 18। ये देखिए हिंदी पर, देखिए हिंदी में अक्षर आर से शुरू होता है, आर जो है 18, आर जो है ओ से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, जैसे भी समझिए, लेकिन समझने के लिए आर 18, आर 18, आ आर होता है, 18 में भी आ होता है, ठीक। तो इस तरह याद करना होगा आर का 18। एस का होता है 19, ठीक है, एस एस 19, एस 19 दो तीन बार बोलिएगा याद हो जाएगा, एस 19, एस 19। अब टी का तो ये ट्रिक है, T20, T20, ठीक। टी के बाद होता है यू, यू का होता है 21, TU, इसको ऐसे याद रखिए, अंडर 21, अंडर 21। उसके बाद भी 22 आता है। देखिए हम लोग किधर को मॉल है V2, उसी के आधार पे आपको बताते हैं, वो मॉल है V2, V2, इसी तरह याद करना होगा V22। W W को आता है 23, M का अगर याद रहा ना, M का 13, तो W को इसको उल्टा आता है ना, तो W हो जाएगा 23, ठीक। उसके बाद X, X Y Z, ये तो इजी है क्योंकि तीन अक्षर ऊपर का याद रख सकते हैं, ए बी सी, ये तो याद ही होगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं एक्स वाई जेड आता है, जेड आता है 26 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, या थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हाँ हमको भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग के लाइक के कारण हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक। धन्यवाद, पूरी जो वीडियो देख चुके हैं वो अपना कमेंट में राय बताएं, हमको किस तरह और वीडियो अच्छी बनाना चाहिए, क्या इसमें आप लोगों को कमी बुझाएं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।